YouTube चैनल सिविल टेक हिंदी से जुड़ें और पाएं सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी अनोखी चीजें। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। डोंट मिस अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, क्रॉस ड्रेनेज वर्क का नाम तो आपने सुना होगा और ये कभी देखा भी होगा कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होते हैं। कभी आपने कोई नहर देखी हो, उसके ऊपर से कोई रास्ता गुजर रहा हो, कोई ड्रेनेज को पासेज किया गया हो, तो ऐसी संरचनाएं जिनको हम क्रॉस ड्रेनेज कहते हैं, इनके बारे में मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 110 सिंपल एक्सप्लेन किस प्रकार है क्रॉस ड्रेनेज, इसका शब्द का मतलब क्या है, तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं सिविल टेक हिंदी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ये हम जाने, क्रॉस ड्रेनेज वर्क शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सिविल टेक हिंदी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, न्यू सिविल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसी वीडियो पा सकें और सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान भरपूर तरह से कर सकें। तो ये टॉपिक पे आते हैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस ड्रेनेज वर्क ये होते हैं कि कभी आपने कोई नहर देखी हो या कोई कृत्रिम प्राकृतिक नाला देखा हो, वो अगर किसी नहर के संरेखण में आता है, किसी केनाल से क्रॉस होता है, तो अब हमें उसी वे में केनाल को भी निकालना है और उसी वे में ड्रेनेज को भी निकालना है। तो ऐसे ऐसे संरचना जिसमें जो प्राकृतिक हो या कृत्रिम नाला हो और नहर या फिर कोई भी वाटर का नदी, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हों, जो उस पर ड्रेनेज के लिए जो कंस्ट्रक्शन, जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहते हैं। क्रॉस ड्रेनेज जैसा कि नाम से स्पष्ट है और परिभाषा से ही स्पष्ट हो भी रहा है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि भाई क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाना क्यों जरूरी है। ये ताकि एक शब्द है पन विभाजक रेखा, ये पन विभाजक रेखा ये होती है जो पानी को और उसका जो अलाइनमेंट है नहर का, इसको अलग करती है इन दोनों को, इसको हम कहते हैं पन विभाजक रेखा। अब हम ये जानते हैं कि पन विभाजक रेखा को नहर के संरेखण में रखना बहुत जरूरी है, ताकि जो अपना पानी आउट ना हो और उसी क्षेत्र में बना रहे, ताकि अपने नहर टूटे नहीं, इसलिए नहर के संरेखण को पन विभाजक रेखा के अंतर्गत रखना बहुत जरूरी है। लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पन विभाजक रेखा में जो कर्व आ जाते हैं, उसकी वजह से जो नहर का संरेखण है वो पन विभाजक रेखा के पास एक्चुअली नहीं रह पाता है, पूरी तरह से प्रॉपरली नहीं रह पाता है। तो इसके लिए जहाँ जहाँ वो कर्व आते हैं वहाँ में क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाने की जरूरत पड़ती है, ताकि जो नहर है, पन विभाजक रेखा है और कृत्रिम नाला है, वो आपस में एक तरह अच्छी तरह से पासेज हो जाए और जो नहर का पानी है या फिर कृत्रिम नाले का पानी है वो दूसरे दोनों मिक्स न हो। अब ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क हमको कहाँ कहाँ बनाने होते हैं, क्या ध्यान रखना पड़ता है इसके लिए, साइट सिलेक्शन के लिए, तो सबसे पहली बात तो है कि इसकी नींव बहुत जरूरी होनी चाहिए, नींव का चयन भी करना इसमें इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि जो नहर है और नाला है उसके जो अलाइनमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे ये क्रॉस होने चाहिए, ये क्रॉस होना 90 डिग्री पे बहुत जरूरी है। और अगर हम दूसरा लेते हैं तो जो अप स्ट्रीम की तरफ दोनों तरफ एक रैम, जो रैम है वो एक्चुअली प्रॉपरली होना चाहिए, तभी ही वो क्रॉस ड्रेनेज वर्क उस पर बन सकता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर ना मैंने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों।